यहाँ पे बच्चों मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा 12 अप्रैल 2023 में शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेसिकली है तो सीक्वेंस सीरीज का। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या लिखा है। उसमें लिखा है A1 + A2 + A3। इस तरह से बच्चों ये ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास कहाँ तक लिखा है बच्चों, +... AN यहाँ तक लिखा है। और बच्चों ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कहेंगे। अगर हम बच्चों A1 से लेकर के A2 A3 ये सारे टर्म्स ऐड कर देते तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को कहेंगे SN। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो बच्चों इनडायरेक्टली आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवेन है, और जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपके पास गिवेन है वो है N² + 3N होल डिवाइडेड बाय N+1 × N+2। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। तो बच्चों आपके पास SN गिवन है एक तरह से। अब बच्चों अगर SN गिवन होता है तो बेसिकली मैंने आपको बताया था अगर आपको इसका जनरल टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप जहां जहां n होगा उसको N-1 से रिप्लेस करोगे। तो ये हो जाएगा N-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स N-1 होल डिवाइडेड बाय, जहां जहां एन है उसको आप N-1 से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेसिकली जो TN होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है SN में से हम माइनस करते हैं SN-1, तो आपके पास TN या AN निकल करके आ जाता है। तो बच्चों अगर आप ये एक्सप्रेशन अब पूरा लिखेंगे तो ये आएगा N² + 3N होल डिवाइडेड बाय, अपनी कॉपी में भी आप साथ साथ लिखते चले जाइएगा, N+1 × N+2। माइनस करेंगे SN-1 के साथ तो बच्चों ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N² + 1 - 2N। यहां तक समझ में आ गया सबको, +3N - 3 होल डिवाइडेड बाय क्या बचा है बच्चों, कैंसिल आउट होकर के एक बचा है एन और एक बचा है N+1, ये बचा है। बच्चों हम इसका फाइनली क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लेने की इसकी कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो बच्चों जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा N × N+1 × N+2, एक ऐसा एक एक्सप्रेशन जनरेट होगा। तो बच्चों आप N² + 3N को मल्टीप्लाई करोगे किससे, N+1 N+2 तो चला गया, यानी ये मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एन से। उसके बाद बच्चों N N+1 भी चला गया, जब N N+1 चला गया तो N+2 बचा, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों N² से प्लस N से और -2 से, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जनरेट होगा। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लो जरा जल्दी से, तो ये N² × N हो जाएगा N³ + 3N² ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। माइनस इसको बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा N³ + N² - 2N ठीक है, माइनस का 2N प्लस का 2N² क्लियर है, प्लस का बच्चों मल्टीप्लाई आप अपने आप से करिएगा, +2N² + 2N - 4। ये बच्चों मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जब आप लिखोगे तो N³ वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों मैं इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ उसमें, N³ से N³ डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों देखो ये 3N² है, तो ये 3N² माइनस का और ये प्लस का, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया। बच्चों हमारे पास जो फाइनली बचेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें 2N से 2N भी कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा 4 होल डिवाइडेड बाय N × N+1 × N+2, ऐसा कुछ बचेगा। तो बच्चों ये आपका कौन सा टर्म निकल के आ गया, ये आपका आ गया जनरल टर्म, इसको आप TN भी कह सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको आप TR भी कह सकते हैं। तो अगर बच्चों हम इस एक्सप्रेशन को TR के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका TR बन जाएगा 4 upon R × R+1 × R+2, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों आप इस पे अप्लाई करोगे VN मेथड, तभी ये डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट हो पाएगा। लेकिन अब इसको आप डायरेक्टली डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट ना करिए, पहले तो आप देखिए कि आपको निकालना क्या है।
आपको निकालना है बच्चों वन अपॉन ए एन चाहिए, ये तो बच्चों टी एन है, ये क्या है टी एन है। आप ऐसा काम करिए, आप पहले टी एन को टी के टर्म्स में लिखिए, तो आपका टी के क्या होगा, तो आपको टी के होगा फोर अपॉन के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ये तो बच्चों आपका हो गया टी के। तो मैंने आपसे पूछा वन अपॉन टी के क्या होगा, वो आपको लिखना है, क्योंकि तो आपका जो समेशन है वो है 28 टाइम्स, आपका 28 टाइम्स समेशन, समेशन में क्या लिखा है के इज इक्वल टू वन से लेकर के जा रहा है 10 तक, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आपका टी के नहीं है, ये वन अपॉन टी के है, तो बच्चों ये हो जाएगा वन अपॉन फोर टाइम्स, ठीक है, के के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ऐसा बच्चों कुछ एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। फिर बच्चों ये हो जाएगा 4 7 जा 28, और समेशन में आएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ऐसा कुछ बच्चों नजर आने वाला है आपको। अब बच्चों हम 28 का तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स। तो बच्चों अभी भी ध्यान से देखिएगा, ये आपका 7 जो है उसको आप चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं या जैसा भी आप करें, लेकिन बच्चों जो के प्लस वन के प्लस टू है इसको आप डिफरेंस फॉर्म में अभी का अभी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 टाइम्स के प्लस वन के प्लस टू, तो बच्चों यहाँ पे सारे टर्म्स किसमें, न्यूमिनेटर में, जब सारे टर्म न्यूमिनेटर में होते हैं तो के प्लस टू के आगे वाला टर्म होगा के प्लस थ्री, और के से पहले वाला टर्म होगा के माइनस वन, याद आ गया सबको बी एन मैथड भाई, आ गया। तो आप बताओ एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, तो एक्स्ट्रा टर्म बच्चों यहाँ से कितना आ रहा, वो जरा हमको चेक करके बताइए, यहाँ पे 4 आ रहा होगा, तो आपने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आई थिंक ये बात सभी को यहाँ तक क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गई। अब बच्चों मेरे को क्या लेना है, इस पे समेशन लेना है, तो मैं जब इस पे समेशन लूंगा तो ये बेसिकली बन जाएगा 7 बाय 4 टाइम्स, इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बना बच्चों के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, क्या यहाँ तक सब समझ में आ गया, माइनस, अब बच्चों लिखना के माइनस वन के प्लस वन इंटू के प्लस टू, यहाँ तक क्लियर है, जरा चेक करिए सब लोग, ये यहाँ तक निकल के आ गया। इसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये 7 बाय 4 तो बाहर है ही, अब आप एक काम करिए, ये आपका टी आर है या टी के, इसको क्या कह सकते हैं टी के, अब के वन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, के इज इक्वल टू वन पे जल्दी से एक्सप्रेशन बताइए क्या आएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और बच्चों ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। फिर बच्चों के इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, लिखते चले जाइएगा बच्चों, तो ये निकल करके आएगा के इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, टू, तो ये जगह 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, माइनस यहाँ बच्चों आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ऐसे करते करते बच्चों आपको कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है ना, तो अब के इसमें फाइनली आप 10 ही पुट कर दो, 7 बाय 4 टाइम्स हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 10 डालते ही बच्चों, जरा टर्म्स का कैंसिलेशन देखिए एक बार कैसे हो रहा है, ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों जो भी टर्म आएगा उसका वैसे भी हमको लेना देना नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो सम इवैल्यूएट होकर के आएगा, जरा देखिए वो P1 P2 P3 up to PM आ रहा है, ठीक है, जरा देखिए जरा कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बच्चों आ रहा है 7 बाय 4 टाइम्स इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ऐसा कुछ निकल करके आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ रहा है, इसमें लिखा है कि ये सारे P1 P2 P3 ऐसे PM तक नंबर्स आएंगे आर द फर्स्ट एम प्राइम नंबर्स व्हेन एम इज इक्वल टू, तो बच्चों ये कह रहा है एम प्राइम नंबर्स है, तो पहले 3 लिखेंगे आप, ठीक है ना, और 3 के बाद बच्चों क्या है, 3 के बाद आएगा आपका 7, 7 के बाद इसमें आएगा, जरा इसको ध्यान से कैंसिल करिए देखिए क्या आ रहा है, तो बच्चों ये 3 आया 7 आया, और बच्चों 10 को भी आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए, तो 10 को आप क्या लिखेंगे, 10 को आप लिख दीजिएगा 2 इंटू 5, क्योंकि ऐसा लिखना पड़ेगा वरना वो प्राइम नंबर्स में ब्रेक नहीं होगा, तो हो गया 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 10 हो गया,
फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया उसको सीक्वेंस में लिखिए, तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 11, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 13। जरा चेक करिए बच्चों, इस तरह से हम कंसेक्यूटिव एम प्राइम नंबर्स हमने लिखे। तो बच्चों ये टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, ये टोटल आपके 6 प्राइम नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 6।